क्या कर रहे हो? हाथ धो रहा हूँ। तो भी बात सलाम तो कर लो। हाँ टीचर ने मारा नहीं था? नहीं नहीं मारा टीचर ने। हाँ। पढ़ कर आ गया अब। हाँ। चलो ठीक है जाओ कपड़े भी उतार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बीबाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी अभी हसीब जो है ना सकूल से वापस आ गया है। सलाम करो हसीब। माशाल्लाह से हसीब जो है ना वो सकूल से आ गए। चलो भाग के जाओ। खाना जो है ना मैंने लगा दिया है अंदर और आप ही आपकी और भाई खा रहे हैं तो आप ही चल कर खा लो खाना जी। अंदर कमरे में आप इसे खो दे देगी बच्चा। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग कुछ इस तरह से है कि आज जो है ना सुबह से काम हो रहा है हमारे दूसरे घर की भराई का पौधे के सामने। उस जगह से भरा जो है ना खींच कर इधर लाया जा रहा था ताकि इधर भराई मुकम्मल हो तो फिर आगे लेकर जाए। लेकिन मसला ये हुआ है कि अभी अभी ट्रैक्टर का जो है ना स्टीयरिंग ख़राब हो चुका है तो अभी मैकेनिक बुलाने गए हैं तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द बन जाएगी। असल में ना नई बनवा कर आए हैं ना क्योंकि पहले ख़राब हो गई थी दोबारा से बनवा कर आए हैं ना तो कोई मसला हो गया है अभी तो भराई करते करते ट्रैक्टर जो है ना ख़राब हो गई है। आइए चलती है। माशाल्लाह से जैसे कि हम किचन में पहुंच चुके हैं और जो हमने जगह रखी थी वहां से पहले हमने ईंटें निकाल ली और ये देखिए ये हमने ईंटें लगा ली हैं। बट ये है टाइल जो छत पर टाइल डाली जाती है वो पतली ईंट होती है तो उसको हमने जो है ना सीधा करके लगा दिया है और अब इसको मिट्टी से हम इसका चूल्हा बनाएंगे। ईंटें लगा कर फिर मिट्टी से चूल्हा बनाएंगे। तो अभी जो है ना हम शुरू करते हैं बनाना। देखिए मिट्टी हमने बना लिया है ये मिंझोल और जो है ना वो दूसरी मिट्टी जो हम दूर से लेकर आते हैं जिसको हम चिकनाई वाली मिट्टी कहते हैं चिकनी मिट्टी तो ये हमने बना ली है। देखिए माशाल्लाह से ये तैयार हो चुकी है। इसको इस तरह से हम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखिए माशाल्लाह से मिट्टी का चूल्हा जो है ना यानी मिट्टी से अब ईंटों को ढांप के ये बना रहे हैं ताकि जल्द से जल्द तैयार हो जाए। अगर मिट्टी का सिर्फ बनाते तो फिर वो जल्दी तैयार नहीं होता, वो काफ़ी दिनों के बाद तैयार होता। तो ये एक ही मरतबा हमारा तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए तो माशाल्लाह से ये देखें चूल्हा जो है ना हमने तैयार कर लिया है लेकिन अभी ये खुश्क होगा, बाहर से मिट्टी दोबारा लगाएंगे क्योंकि अभी अंदर से काफी सारी मिट्टी लगाई है और इसका थोड़ा सा जो है ना इधर से मुंह भी दोबारा से एक मरतबा थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगाकर बनाएंगे। लेकिन अभी मिट्टी जो है ना वो गीली है, अगर ज्यादा मिट्टी लगाएंगे तो फिर गिर जाएगा तो अभी इसको खुश्क होने देते हैं। अभी जो है ना हम घर में आए हैं तो अभी गाय का दूध निकाला है। कोई बाहर से बंदा लेने के लिए उन्होंने कहा कि हमें दूध ज़रूरत है एक किलो तो हमने उसको दूध निकाल कर दिया है। अभी हम बोतल में डालते हैं। तो अभी जो है ना जैसा कि आपको पता है कल शादी थी, हम बारात पर रात को गए थे तो लेट आए थे। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं तो आज जा नहीं रही। आज मैंने कहा जिठानी साहिबा के आज तुम जाओ वलीम में बार, तो जिठानी साहिबा तैयार हो रही है वलीम में पर जाने के लिए। तो हमने आप लोगों को देखा है कि किचन में हमने चूल्हा बना लिया है
क्योंकि वलीमा जो है ना वो लेट रखा है, रात को शाम का उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, तो अभी इसमें दूध डालते हैं बोतल में। चल ये तोड़ने का इरादा है क्या? चल सोना आंदा पियो, सोना सोना एकदम वालता है। तो अभी आए हैं हम इस किचन में, ये देखिए अभी हमारा चूल्हा जो है वो खुश्क नहीं हुआ, जब खुश्क होगा तो फिर दोबारा से इसको दोबारा बनाया जाएगा। और अदनान कुछ कर रहा है एक्सपेरिमेंट, और देखते हैं कि ये कर क्या रहा है, पूछते हैं अदनान से। अदनान ये क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। इसने दस्ती चूल्हा कल से इधर बनाया हुआ है, मकई की छलियाँ भी इसने कल इधर बना कर खाई थी, कहते हैं कि उधर बनाऊंगा तो साहब नहीं नहीं मैंने चोरी नहीं की। और अब ये क्या कर रहे हो? ये फुला बना रहा हूँ। अच्छा, ये मकई के फुले बना रहे हो? जी, बन जाएंगे? देखते, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कैसे बनते हैं, मैंने वैसे कभी बनाए नहीं हमने। अदनान कहता है कि बन जाएंगे, देखे फट रही थी थोड़ी थोड़ी, कच्ची है, कच्ची है इस वजह से। अभी हसीब को बुला रहे हैं क्योंकि सारा दिन तो स्कूल में रहता है और इस वक्त जब घर आता है ना तो बुला बुला के थक जाते हैं, भाग जाते हैं बच्चों के साथ खेलने, काफी मिन्नत तरले करके बुलाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। अभी बुला कर आई थी लेकिन अभी फिर भाग गया है, अभी ढूंढ कर लाते पता नहीं है कहाँ हसीब। चलो जब मेरी शादी हो जाएगी, जब मेरे बच्चे होंगे तो साथ खेलता रहेगा, टेंशन नहीं लेनी है बहुत जल्दी। चौधरी बाबा जिंदाबाद। और ये क्या क्यों है सारी मट्टी मुंह पर डाली है? चलो तैयार हो जाओ, शादी पर जाना है बोली में पास, सारा दिन खेलने के जगह आकर काम है। उठी उठा चलो चलो मुंह हाथ धोला, चलो चलो मुंह हाथ धोला, कपड़ा बदलो हसीब। देखें अभी जो है ना हमारी बकरियां बंधी हुई हैं क्योंकि अभी फसलें जो है ना सारी सब फसलों की बिजाई हो चुकी है, और ये बहुत शौक से चुगते थे चरते थे इलाके में, लेकिन अभी दो दिन से इनको बांधा हुआ है, ज़्यादातर घास नहीं खाते, अभी घास लेकर आ रहे हैं, अभी इनको डालते हैं, थोड़ा थोड़ा भी खाना शुरू किया है, लेकिन बेचारे बहुत शौक से ये घास खाते थे अपनी मर्जी का, लेकिन अब ये बांधे हुए हैं क्योंकि फसलें जो है ना साहब की बिजाई हो चुकी है ना, इस वजह से अभी इनको नहीं खोलते। ये तो सब लोग जाने वाले हैं, बाकी हम बचे हुए हैं हसीब और मैं, और बच्चियां जो हैं वो घर पर हैं।
और जिठानी साहबा और इब्रार और चौधरी बाबा जैन वो लीवे पर जा रहे हैं, तो हम कल गए थे वो आज जा रहे हैं, तो इसी वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी रात भी, और घर का फिर घर में भी रहना एक यानी कि एक अपराल का घर में भी रहना ज़रूरी होता है, एक फंक्शन पर जाता है तो दूसरा कल जिठानी साहबा करती और आज मैं करती हूँ, तो यही वजह है। और अभी हसीब जो है ना बहुत तंग करता है, वो देखो वो जिस सामने खेल रहा है, अभी वो फिर भागा जा रहा है। कहाँ भाग रहे हो हसीब? और पता है सुबह सुबह इतने बहाने बनाता है, इतने बहाने बनाता है, बातें सुनाता है, हमें हमें यकीन नहीं था। जी अभी टूट गई है, अच्छा ठीक है फिर कल नहीं ले देंगे, ठीक है ठीक है। तो आज जो है ना हसीब की गोली टूट गई है तो फिर कल नहीं लेंगे, कहता है मुझे कभी ये कहते हैं मुझे टीचर मारती है, कभी कहते नहीं मुझे मारती नहीं थी, तो आप उसके पास चली जाएँ, आप जाएंगी ना तो फिर मुझे अच्छे तरीके से वो पढ़ाएगी। तो मैं भी सोच रही हूँ कि हसीब की टीचर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हसीब भाइयों के साथ गया है, मैं इसकी टीचर के पास खुद नहीं गई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ कि घर से जब फारिग हो जाऊँगी तो इंशाल्लाह जाऊँगी। तो अभी सब लोग जो है ना वो शादी पे चले गए हैं, तो हम उनको बाहर आए थे रुख्सत करने के लिए, और ये देखिए आप लोगों को दिखाते चलेंगे बाहर, फसलें सब की सब कट चुकी हैं, हर तरफ जो है ना वो अभी मट्टी ही मट्टी नज़र आ रही है खुश्क जगह, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, 5, 7, 8, 10 दिन तक ना ये सब के बिजाई हो चुकी है गंदम की, तो सब जगह पर फिर हरा भरा खेत हरे भरे हो जाएंगे, गंदम की फसल उगाएगी जब। और तुम कहाँ भागे हुए हो सुबह से? थके हुए हो? बच्चों के साथ भाग भाग के थक जाते हैं, जब बच्चे आते हैं ना तो ये काफ़ी भाग भाग के खेल खेल के थक जाते हैं अभी। तो इसी के साथ हम भी आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे, दुआ में याद रखना है, बहुत सारी हमारे लिए भी दुआएं करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और शेयर कर लेना है, लाल रंग का बटन ज़रूर प्रेस कर लेना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।